हेलो गाइस, दिस कार्तिक पांडे फ्रॉम आईटीबीएचयू एंड यू आर वाचिंग नीरो ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी बात करने वाले हैं एंड दैट इज रिलेटेड टू द आईडीडी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम जो होता है, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। ये 5 ईयर का कोर्स होता है, आज अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को हर जगह देखने को मिला होगा जब आप चॉइसेस फिलअप करना स्टार्ट किए होंगे या चॉइस फिल करने से पहले, ठीक है ना। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा, जिससे कि काउंसलिंग से रिलेटेड और भी ढेर सारी वीडियोस आपके पास आती रहें और आप हमारे साथ बने रहे। क्लियर गाइस? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आईडीडी इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम जो होता है, दैट इज डुअल डिग्री, जैसे कि आपको पता चल रहा है डुअल डिग्री नाम से ही, दैट इज बीटेक प्लस एमटेक। और ये 5 ईयर का कोर्स होता है, बीटेक जो होता है 4 ईयर कोर्स होता है। आप यदि एमटेक अलग से करेंगे तो आपको 2 ईयर का कोर्स करना पड़ेगा, मतलब बीटेक प्लस एमटेक अलग अलग कर रहे हैं तो आपको 2+4 दैट इज 6 ईयर्स करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप आईडीडी से कर रहे हैं, मतलब आप सीधे डुअल डिग्री प्रोग्राम चूज कर रहे हैं, तो आपको 5 ईयर्स के अंदर ही बीटेक प्लस एमटेक दोनों चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब आप सोचेंगे क्या सर इसमें अलग चीजें पढ़ाई जाती है? नहीं, सेम चीजें पढ़ाई जाएंगी। बस ये होता है कि समर टाइम पे, जो 4th ईयर के बाद समर टाइम होगा, उस टाइम पे ये चीजें इन्वॉल्व करा दी जाएंगी, या जो प्रोजेक्ट होंगे या जो भी जैसा भी है वो कम टाइम पे ही कवरअप कराए जाएंगे इन केस ऑफ आईडीडी। बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिफरेंट पढ़ाया जाता है। क्लियर है? और हाँ, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि बीच में आपका मन कर जाए तो आप आईडीडी से मतलब बीटेक करा लें, या आप ऐसा करें कि भैया 4 साल पे क्विट करके बोल दें हमको बीटेक की डिग्री दे दीजिए। नो, नॉट एट ऑल। आपको बीटेक प्लस एमटेक की डिग्री मिलेगी, और वो 5 साल के बाद जब आप सारे क्रेडिट्स को मतलब क्वालिफाई कर लेंगे या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको फिलअप कर देंगे, फुलफिल कर देंगे, तभी आपको डिग्री मिलेगी। क्लियर है गाइस? और हाँ, एक बात और होता है, कॉलेजेस में ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आईटीबीएचयू में हमारे ऑप्शन है कि आपको 6 सेमेस्टर के बाद ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी डिग्री को बीटेक से मतलब यूजी से अंडर ग्रेजुएट से डुअल डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आईडीडी से यूजी में कन्वर्ट करने का कोई मौका नहीं मिलता। और बता दूं, आईडीडी प्रोग्राम की किसी भी हिसाब से वैल्यू कम नहीं होती है। लोग इससे थोड़ा बहुत यदि कोई झिझकता है तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि 5 ईयर कोर्स है, मतलब आप बीटेक के बाद चीजों को छोड़ नहीं सकते। लेकिन वहीं पे जो बच्चा बीटेक कर रहा होता है उसके पास ऑप्शन 2 साल बाद एमटेक करने का भी होता है, और साथ में वो चाहे तो बीच में क्विट कर सकता है। लेकिन आईडीडी वालों के साथ ऐसा नहीं होता, उन्हें 5 कंटिन्यूअस ईयर पढ़ना ही पड़ेगा। और हाँ गाइस, इसी वजह से थोड़ा सा कम रैंक पे भी, जैसे कि यूजी जो है, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट जो है, जो बीटेक का कॉन्सेप्ट है, यदि वो आपको मान लीजिए 100 रैंक तक मिल रहा है तो 120 रैंक तक आईडीडी मिल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि लोग इसको प्रिफर नहीं करते 5 ईयर कोर्स की वजह से। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटीज जो कि बीटेक वाले को मिलती हैं वही यहाँ भी आपको मिलेंगी, और जो एमटेक वाले को मिलेगी वही यहाँ मिलेंगी। मतलब आप पीएचडी करने के लिए भी एलिजिबल होंगे, या जॉब्स के लिए, जैसी भी जॉब जो भी है, सारी चीज़ों के लिए आप एलिजिबल होंगे। सो गाइस, भी आपको आईडीडी मिलता है तो प्लीज ले लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आपको यूजी मिल रहा है इनकम्प्लीट टू आईडीडी, तो आई विल सजेस्ट देन गो फॉर यूजी, कहने का मतलब जो 4 ईयर कोर्स है उसके लिए जाइए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, यदि ऐसा है कि आपको यूजीडी मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बजाय आपको मिल रहा है आईडीडी इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, देन गो फॉर आईडीडी। प्लीज डोंट लीव द ब्रांच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्रांच ले लीजिए, आपको आगे चलकर के फायदा होगा ही होगा। क्लियर है गाइस? सो दिस वाज ऑल अबाउट आईडीडी, और आईडीडी के जो ब्रांचेस होंगे, जो भी जो कॉलेज अलॉट करते हैं, वो आपको चॉइस फिलअप करते टाइम मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो गाइस, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना, और वीडियो को शेयर जरूर करना, और हमारे साथ बने रहना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।